भी हम लोगों को न्याय नहीं मिलता है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय मिले। और जब मेरी बेटी के साथ ऐसी घटना हुई थी तब मुझे बहुत डर था, मैं अपनी बेटी को लेकर इतनी डरी हुई थी कि मैं साहस नहीं कर पाती थी कि मैं किसी से कहूँ। बेटी के साथ जो बलात्कार होता है पहले से डरी हुई होती है, जब उसके साथ बलात्कार होता है तो वो पहले से डरी है, सहमी है, और फिर थाने जाओ तो थाने वाले भी बहुत दिक्कत कर देते हैं, बहुत परेशान। पूरी जो चीज है वो जो अत्याचार करने वाला है, बलात्कारी, उसको बचाने की बात है, और समाज में हर कोई उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमने ये भी देखा कि जहां जहां पे हम गए हमने बहुत सारे लड़कों के साथ बातचीत करी, कई सारे लड़कों ने सामने आके कहा कि उनके साथ भी बलात्कार हुआ है, और मेरे ख्याल से देश में पहला मौका है जब लड़के खुल के बाहर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि उनके साथ भी बचपन में जब वो 8 साल के गलती। इस यात्रा का जो एक मूल मकसद है वो ये है कि देश में जो एक संस्कृति है बलात्कार की या महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा की, उस संस्कृति को बदलना हमारा मुख्य उद्देश्य है। और वो संस्कृति हम दो तरीके से बदल सकते हैं, एक तो जो तंत्र है जिसमें न्याय व्यवस्था है, पुलिस है या मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, वो उनके व्यवहार में या प्रैक्टिस में बदलाव लाए, और दूसरी चीज़ के समाज का नज़रिया बदले। समाज आज के समय में जो भी सर्वाइवर है जिनके साथ रेप होता है, बलात्कार होता है, उसको धिक्कारता है, उसको शेम करता है, तो हम ये चाहते हैं कि उनको शेम करना बंद करें, उनको सपोर्ट करें सर्वाइवर्स को, और जो ऑपरेटर है या जो ये बलात्कार करते हैं, जो लड़कियों की खरीद फरोख करते हैं, उनको शर्मिंदा किया जाए, उनको सज़ा मिले। तो ये इस यात्रा का मूल मकसद है जिसके लिए हम चले हैं। हम किशनगढ़ में थे सुबह, हमने देखा कि राजस्थान में भी कई सारे समुदाय या जातियाँ हैं जो लोग देह व्यापार में लगे हुए हैं, उनके साथ हमने बात की कि इसको बंद करना है। आज शाम को हम भटेरी गाँव भी जा रहे हैं जो भवरी देवी का गाँव है, भवरी देवी के साथ 2-3 दशक पहले बलात्कार की घटना घटी और आज भी वो न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं, तो हम उनको समर्थन देने उनको मिलने के लिए आज शाम को जा रहे हैं। मेरा नाम आसिफ शेख है, मैं कन्वेनर हूँ इस यात्रा का।